आप सलाम अलैकुम कहते हैं या आप हेलो कहते जी हैं? जी मैं लिबरल माइंड का हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि सलाम अलैकुम कह रहे हैं या नमस्ते कह लें, कुछ भी आप फर्क कहते नहीं हैं पड़ता। सलाम अलैकुम का मतलब ये है कि आप पर सलामती हो, और ये हाँ अरब मुझे और पता है, नमस्ते का भी, नमस्ते का क्या मतलब है हिंदी में? नमस्ते का मतलब बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं। संस्कृत में इसका मतलब यह है कि मैं झुककर आपको नमन करता हूँ, उस खुदा को जो आपके दिल में रहता है। मेरे साथ आज लाइन पे हैं, इनका हम असल नाम नहीं बताएंगे, ये पाकिस्तानी हिंदू हैं। मैंने इनको कहा है कि मैं इनको अक्षय कुमार कहूंगी, बिकॉज अक्षय कुमार इज माई फेवरेट एक्टर। हमारे साथ जो अक्षय आज हैं लाइन पे, इनकी एज है 19, ये 19 साल के हैं और ये पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अक्षय, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? जी मैं पाकिस्तान में ही पैदा हूँ। अच्छा, और पाकिस्तान के स्कूल में पढ़े हैं? जी मैं स्कूल में भी यहीं पे पढ़ा हूँ, मेरी फैमिली जो है यहीं की है, शुरू से ही यहीं की है, अच्छा, इंटीरियर सिंध की। तो मुझे बताएं कि क्या वजह है कि ये लोग, आपकी फैमिली इंडिया नहीं गई जब पाकिस्तान बना? क्योंकि हमारे जो यहाँ पे गांव में जो हमारे लोग थे उन्होंने हमें जाने नहीं दिया, जो मुस्लिम्स थे वगैरह वो हमसे बहुत प्यार करते थे हमारी फैमिली से, इसीलिए तकरीबन 200 फैमिलीज हमारे गांव की जो हैं वो इंडिया शिफ्ट हो गई थी पार्टीशन के टाइम, लेकिन हम लोग नहीं गए। अच्छा, और कोई कोई मतलब उस वक्त फिर बचे कैसे? आपके पेरेंट्स आपको कुछ स्टोरीज बताते हैं कि ये हादसा पेश आया, ना जाने की वजह से ये प्रॉब्लम पेश आया? वैसे शाजिया मुझे ये स्टोरीज तो मतलब मैंने अपनी अम्मी से या अपने दादा से किसी से भी पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन मतलब हमारा जो गांव है वहां पे बिल्कुल वो किले टाइप है इंटीरियर सिंध में, हाँ तो उस टाइम उस किले को बंद कर दिया गया था, और मतलब रोड सारे बंद कर दिए गए थे, लोगों ने हमारी बहुत हिफाजत की थी उस टाइम, तो मतलब जो है हम बच गए थे, किसी चल, भी तरह की हमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मुझे बताएं अक्षय कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप? मुझे बताएं कि आप क्या बात करना चाहते हैं मेरे शो पे? जी मैं बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में अपने बारे में बता दूँ कि मैं 10 साल पहले कराची आया था, अपने मेरे फादर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हालत थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए वो यहाँ पे जॉब के सिलसिले में आए थे, फिर मैं भी आ गया था उनके साथ, पूरी फैमिली आ गई थी। फिर 10 साल मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये हिंदू क्या है, ये मुस्लिम क्या है, मुझे इस मामले के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जो है क्या प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आया पहले तो मुझे कहते, फिर अभी रिसेंटली 2-3 सालों में मेरे पे इतना टॉर्चर हुआ है कि मैं एक टाइम तो मतलब जो है ना साइको हो गया था एक तरह से, कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ स्कूल्स में जिस तरह से मेरे साथ बिहेवियर था या मेरे जो फ्रेंड्स बने थे, तो मैं परेशान हो गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या क्या बिहेवियर था स्कूल में आपके साथ लोगों का? स्कूल में तो मतलब पहले मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, मेरे मतलब जो स्कूल में फ्रेंड्स थे या मेरे जो टीचर्स थे बहुत ही लिबरल और ब्रॉड माइंडेड थे, मतलब रिलीजन से वो किसी को जज नहीं करते थे, लेकिन जब से मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई वगैरह, मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते थे कोई मेरे साथ, कोई मुझे पानी नहीं देता था, Oh my सब God. मुझे मतलब मैं अगर अपने फ्रेंड किसी दोस्त, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा था, मैंने उससे कहा था कि यार मुझे बहुत प्यास लग रही है तो मुझे पानी दे दो, तो उसने कहा था कि यार सॉरी यार मैं अपनी मम्मी से जरूर पूछ के बताऊंगा कि तुम्हें पानी दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। और जो हमारे टीचर्स थे वो तो हमें जज ही हमें इंडियन एज अ इंडियन करते थे एज अ हिंदू, और जो मेरे पाकिस्तान स्टडीज के टीचर थे अल्लाह माफ करे, मतलब मैं तो बहुत परेशान था उनकी क्लास अटेंड करने का, मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। जो पाकिस्तान स्टडीज के टीचर थे आपके कॉलेज में, ये एफए की, FSC FA की बात है? जी पता है असल में ये ना, मैंने देखा है कि इंडो पाक के जो लोग हैं ना, गुंडे हैं बेसिकली। हम पाकिस्तानी जी पाकिस्तानी बिल्कुल, पता है ये गुंडागर्दी है। आपको पता है कि जब मुसलमान, क्या जरा हमने सुनी है, स्टोरी सुनी है कि जब मुसलमान माइनॉरिटी में थे इंडिया में, तो इसी तरह से मुसलमानों को जी हिंदू ट्रीट करते थे कि इनके साथ पानी नहीं पीना, ये वो। अब वही मुसलमान अगर मेजोरिटी में पाकिस्तान में आ गए हैं तो वो गुंडे बन गए ना। कोई मुझे कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये रिलीजन रिलीजन कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है बेसिकली। कि अगर कोई जी आपसे कम है, आपने देखा है कि माइनॉरिटीज को ऐसे ट्रीट करते हैं, और गरीबों को, जो गरीब है उसके साथ ऐसे गुंडागर्दी करते हैं ना। और कॉलेजेस के लड़के तो इतने बड़े गुंडे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफा मैं बस में ट्रेवल कर रही तो 4 लड़के ना पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ चढ़ गए, ठीक है?
वो लोग बेइज्जती करते जाएं ये बेचारा जो ड्राइवर और जो कंडक्टर होता है बस का, उनके साथ बदतमीजी करते जाए ना, तो वो बेचारा, उसको पता था कि अगर मैं आगे से बोला तो मुझे मिलके मारेंगे। वो तो मुसलमान था, वो तो था भी नहीं किसी और रिलीजन का। तो ये उसको बड़ी बड़ी गालियां निकाली, उसको बार बार कहें साले ये करो साले वो करो। तो आगे से वो उस बेचारे ने एक दफा कह दिया कि भाई आप भी तो किसी के साले होंगे ना, मुझे साले साले आप कहते जा रहे हैं। तो इंतहाई उस दिन मैंने पहली दफा रियलाइज किया कि गुंडागर्दी कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में किस हद तक बढ़ चुकी है कि गरीब के साथ गुंडागर्दी, ये बेसिकली गुंडागर्दी है। और मैं, मेरे भी फैमिली में मतलब जो है, मेरे फादर मुझे हमेशा मना करते हैं कि किसी भी बात पे मतलब कभी भी इनसे किसी भी तरह की बहस नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं, ये तो पकड़ के जान से मार हम लोग यहाँ देंगे। पे बहुत बहुत कुछ हो सकता है। मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरे काफी मोटिवेटेड थे वगैरह। क्रिश्चियंस भी हमारे साथ पढ़ते थे और हिंदूज थे, मुस्लिम्स भी थे, सब हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ खाते थे, कोई मसला ही नहीं था। जब से हम कॉलेज लाइफ में आया तो मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हो गई, इंक्लूडिंग मेरे जो इकोनॉमिक्स के टीचर थे या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स थे, जिनको आप देख के ये नहीं कह सकते कि ये भी एक रिलीजियस सोच रखते हैं, वो भी ऐसे थे मतलब कि तासुब बरतते थे वगैरह। और माँ मतलब जो है हर चीज में मतलब वो जो है ना रिलीजन ढूंढते थे, और कुछ नहीं था। असल में ये पिछले कुछ सालों में मैंने सुना है कि पाकिस्तान में, असल में ये तभी शुरू हो गया था जब मैं पाकिस्तान में थी 1999 में, तभी तभी बेचारे ये जो अहमदी थे ये अपनी जान बचाते फिरते थे, ये छुप जाते थे। जब कभी रायट शुरू होते थे ना अहमदी के अगेंस्ट, तो बेचारे कॉलेज के जो अहमदी बच्चे थे वो छोड़ जाते थे कॉलेज के कई महीने के लिए। तो ये, लेकिन ये गुंडागर्दी हद से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रिलीजियस जो लोग हैं ना, मौलवी मुल्ला, इन सबको खुली छूट छुट्टी दे दी गई है ना। तो जहाँ इसका सही इनका बात। ये इनकी कोई लाइफ नहीं है। अक्षय, जब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई मिसाल देंगे कि किस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस किया कॉलेज में, कौन सी बात आपको जो है वो सबसे आपको बड़ी बात तो रिलीजन, रिलीजन से जज। कहते कि तुम तो हिंदू हो और इस तरह की बातें। जी मेरे मतलब टीचर्स थे वगैरह, वो भी मुझे हर वक्त मतलब, एक रमजान का टाइम था, एक आपको वाक्य बताता हूँ कि का, और मेरे टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि जो है कि तुमने कितने रोजे रखे। 15 15 रोजे गुजर चुके थे रमजान में। तो मैंने कहा कि सर मैं सहरी नहीं करता हूँ, अफतारी करता हूँ, मैंने मजाक में उन्हें कहा था। तो उन्होंने मुझे जो डेढ़ मतलब अपनी क्लास को बंद करके जो है, और मुझे जो लेक्चर दिया था उसके बाद मैं परेशान हो गया था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने क्या बोल दिया, ऐसी कोई गलत बात कर दी मैंने। अल्लाह का शुक्र है आपको जान से नहीं मार दिया। ओ माय गॉड, ये तो पागल पागल हैं। तो बस तफार, ये अल्लाह का शुक्र करो कि लेक्चर दे के छोड़ दिया। पाकिस्तान में आजकल जिस तरह के हालात हैं, हिंदू और क्रिश्चियन बेचारे को तो बोलना चाहिए। अब ये मजाक ऐसा है कि हमने सारी जिंदगी किया है, मैंने सारी जिंदगी, ये मजाक हर बंदा करता है इस तरह का। मैं कई मेरे अबू कई दफा कह रहे थे कि मैं तो अब तो पूरे रोजे रखते हैं, लेकिन एक जमाने में अबू रोजे नहीं रखते थे, तो हमेशा कहते हैं कि भाई मैं सैरी करता हूँ, नहीं सैरी भी करता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, बीच में भी खा लेता हूँ कुछ इस तरह का, या सिर्फ ये कि मैं तो भाई सिर्फ इफ्तारी करता हूँ। और मैं अभी मजाक ऑल द टाइम करती हूँ कि अच्छा मेरे हस्बैंड रोजे रखते हैं, तो मैं ये मजाक कई दफ़ा करती हूँ कि मैं इफ्तारी बड़े शौक से करती हूँ। तो लेकिन लेकिन बात ये बात ही नहीं कि आपका मजाक गलत था, मजाक तो आपका बिल्कुल ठीक है, बट द थिंग इज कि ये फिर मुझे वो उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया कि तुम दोजख में जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा, मतलब उन्होंने आपको बताया और कि कब्र मतलब कब्र के उन्होंने साथ आप और बताया कि मतलब कब्र तुम्हारे के, जैसे कब्र अब के अजाब के बारे में कहा था, और कहा था कि आपके साथ ये होगा ये होगा, आपको जो है आप नेट जो, उन्होंने मुझे मुझसे पूछा था कि इंटरनेट यूज करते हो, मैंने कहा जी सर मैं करता हूँ, मैं बहुत आराम से उनसे बात कर रहा था, रिलैक्स होकर, कि उनको फील ना हो सके कि मुझे हर्ट हो रहा है दिल में। तो उन्होंने कहा था कि जब आप नेट यूज करते हो तो यूट्यूब पे आप डॉक्टर जाकिर नायक की जो है वीडियोस ओह दिखा माय करें, गॉड, उससे आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी। जाकिर आप नेक जो को तो, है आप जाकिर नेक को तो पागल खाने में डाल देना चाहिए, तो दुनिया जो है ना वो बेहतर प्लेस होगी। यहाँ वो जो है तो ना वो बेहतर इस्लाम प्लेस के होगी, नाम वो पे, वो तो तो इंसानियत इंसानियत के के नाम पे नाम खप पे रहा है, वो तो वो इंसानियत जो के नाम पे बेवकूफ थप आदमी है। है। हाँ वो जो बेवकूफ आदमी है। दोनों अक्षय, मैं आपको एक बात बताती हूँ, पता है ये फिर भी अल्लाह का शुक्र करें, भगवान का शुक्र करें कि उन्होंने आपको जान से नहीं मार दिया। और सिर्फ ना वो लेक्चर देने पे, बेसिकली व्हाट दे ट्राई टू डू वाज कि वो आपको इस्लाम की तबलीग दे रहे थे, विच इज फाइन। अगर वो ये भी करे तो ठीक है, शुक्र करें कि उन्होंने आपको जान से नहीं मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस बात का रिस्क है ना। लेकिन लेकिन इसमें एक बड़ा जी अच्छा सही पॉइंट बात सामने है। आता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हम हमेशा गैर मुस्लिमों को
तबलीग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट ही ट्राई टू डू टू, और अपने अपने ब्रिलियंट माइंड में उसके वो यही समझता होगा कि वही सही है, हर बंदा यही समझता है ना कि वही सही है, ठीक है। ये स्टोरीज जो जो आप हाँ कब्र के अजाब की जो उन्होंने कहानियां बनाई हैं उसका कहीं भी कोई प्रूफ नहीं है, अपने से बैठ के लोगों ने बना ली हुई है, ठीक है, लेकिन इनमें इतना है ही नहीं कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, कहाँ से क्या एविडेंस है, क्या चीज सही हो सकती है क्या गलत, एविडेंस पे तो ये जाते नहीं ना, लेकिन वो अपने जहन में ठीक है। बट द थिंग इज के अगर हम लोग ये बात करते हैं, हम लोग भी मुसलमान है, पाकिस्तानी है, हम लोग ये बात करते हैं कि एक लिबरल और सेक्युलर सोसाइटी बनाई जाए जिसमें हिंदुओं का कोटा ना हो, क्रिश्चियंस का कोटा ना हो, बल्कि वो इक्वल हो, वो पढ़े तो वो भी सब आगे आ देखो सके। हाँ, और ये कि अगर आप अपना जिस मतलब तरह से अब अमेरिका में और यूएसए में जिस तरह से ऐसे, हाँ वही ट्रीट बिल्कुल किया आप जाता सही कह है रहे हैं। इक्वली हाँ, ट्रीट, इसी तरह से पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में भी अब जब हम यहाँ आते हैं, मैं ये कोटा थोड़ी देते हैं, लेकिन अगर हमारे हमारा हाई स्कोर है तो हम लोग मतलब आगे निकल सकते हैं यहाँ पे। और मजे की एक और बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, जिसपे जो गैर मुस्लिम भाई जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी, अब आती है कि जब ये लोग कहते हैं कि भाई अगर आप अपना रिलीजन की तबलीग कर सकते हैं तो हमें भी अपना रिलीजन की तबलीग करने की इजाज़त दें, और ये बिल्कुल 100% सही बात है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि जब वो प्रोफेसर साहब आपसे कह रहे थे कि तुम कब्र 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 में जलोगे, दोजख में जलोगे, तो उनको आपको ये हक भी देना चाहिए था कि आप आगे से कहते कि भाई हिंदुइज्म पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं आपको चार बातें बताता हूँ हिंदुइज्म के बारे में, और मैं देखता हूँ कि आपको अगर मेरा रिलीजन पसंद आता है तो आप मेरे रिलीजन की तरफ आए, ठीक है। आगे आगे हर इंसान की मर्जी होती है कि वो कौन सा मैम रिलीजन इख्तियार करता है, लेकिन आपको जान से मार देते अगर आप ऐसी बात करते तो। आपने चलिए कुछ ठीक है, मैंने कहा क्या सही है, आप ही आपने क्या कहा? जी सही बोल, हाँ मैं आपने, गलत हूँ, हाँ नहीं, मैंने कहा था, जाहिर जाहिर कमजोर जो जो भी मैंने उनसे वीक, कहा हाँ हेलो हाँ मैं सुन रही हूँ, मुझे आपने कहा है, अक्षय कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि सर आप सही कह रहे हैं, मैं ही गलत हूँ, और यही वहां पे जान आपने अगर जान से नहीं जाना तो आपने ऐसी बातें करनी है ना ये तो। और अब बात गैर मुस्लिमों की तो रही नहीं है, अब तो मुसलमान, आपने देखा है कि वो जो पिछले पिछले मोहसिन का जो मैंने इंटरव्यू किया पिछले प्रोग्राम में, मोहसिन ने अपने फेसबुक पे के पेज पे लगाया हुआ है शिया काफिर और है। मुझे मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, शिया काफिर है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये मुसलमान है, अच्छा शिया भी मुसलमान है, सुन्नी भी मुसलमान है, इनकी आपस में हेटर का ये आलम है। मैं आपको बताऊं, किसी ने बड़ी अच्छी बात फेसबुक पे लिखी थी, आपको आप दुनिया इतनी तरक्की कर गई है एक टेक्नोलॉजी की वजह से, बेसिकली कैन रीड अदर पीपल्स व्यूज। तो वो किसी बंदे ने फेसबुक पे लिखा हुआ कि पहले मुसलमान जो है ना सारे सारे या गैर मुस्लिमों को मारेंगे पाकिस्तान में, फिर उसके बाद एक दूसरे को मारेंगे, जब गैर मुस्लिम बचेंगे नहीं तो एक दूसरे को मारेंगे। तो इस नौबत तक पहुंचने से पहले एवरेज मुसलमान जो है ना पाकिस्तान का, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तानी एवरेज पीस में रहना चाहता है, लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि प्रोफेसर साहब मेजोरिटी प्रोफेसर साहब जैसी है कि हालांकि वो अगर मर्डर नहीं भी करते लेकिन वो आपको प्रीच करने की कोशिश करते हैं, विच इज फाइन, लेकिन लेकिन उनका ये बिहेवियर वो जो चेंज होता है ना वो सही बात नहीं है।